उज्जैन में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर सैन समाज संगठन के तत्वाधान में प्रेस क्लब पर पत्रकार वार्ता का आयोजन भी हुआ। आयोजन को लेकर आयोजकों ने बताया कि एक महीने से इस परिचय सम्मेलन की तैयारियां की जा रही थी। युवक युवती परिचय सम्मेलन 25 दिसंबर 2019 को सुबह 10 बजे से प्रेम छाया परिसर में किया जा रहा है। सम्मेलन के संयोजक महेंद्र सेन, अध्यक्ष कन्हैया लाल सेन, मोहन लाल वर्मा, संरक्षक सुरेंद्र सेन, संयोजक शरद सेन आदि ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सम्मेलन में भारत के 15 से अधिक राज्यों से अब तक 200 प्रविष्टियाँ आई हैं और प्रविष्टियाँ आना बाकी है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि सम्मेलन में इस बार स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। सम्मेलन में प्लास्टिक के किसी भी सामान का उपयोग नहीं किया जाएगा। वहीं इस सम्मेलन में समाजजनों को यह संदेश भी दिया जाएगा। सम्मेलन में आमंत्रित अतिथियों के हाथों स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा। उज्जैन शहर में सर्व सैन समाज संगठन युवक युवती परिचय सम्मेलन 25 दिसंबर 2019 प्रेम छाया परिसर में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर का है। कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर का है। इसमें चारों प्रांतों से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, चेन्नई, इधर से समस्त समाजजनों यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और अपने बच्चे बच्चियों के परिचय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और अपने बच्चों को। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये कि आज महंगाई के दौर में एक परिवार कहीं जाता है तो काफ़ी खर्च हो जाता है। इस खर्च को देखते हुए पिछले 5 वर्षों से हमने इसकी शुरुआत की है और ये 5 वर्षों से सफल रहा है। आज एक जाजम पे, एक मंडप पे इकट्ठे होके जब सारे समाजजन एकत्रित होते हैं तो वो अपने अपने बच्चे बच्चियों का आपस में तालमेल बिठा लेते हैं और सेम टाइम पे उनके बच्चे बच्चियों का परिचय होने के बाद कुंडली मिला लेते हैं और इसमें काफ़ी रिश्ते तय हो जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इस महंगाई के दौर में आदमी का खर्च बढ़ गया है तो हम इसके माध्यम से एक जाजम पे इकट्ठे होके सारे समाजजन एकत्रित हो जाते हैं और अपने बच्चे बच्चियों का सैन समाज की ओर से मतलब परिचय सम्मेलन के रूप में युवक युवतियों का दिव्यांग बुजुर्ग प्रोग्राम करते हैं तो उनको उनकी मतलब सहायता के लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए आगे रहते हैं। हमें कई प्रांतों से मतलब मैसेज आते हैं, हमको सफलता भी मिलती है। हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन का सहयोग हमें मिलता रहे और हम अच्छा काम की शुरुआत के लिए मतलब आगे बढ़ के कार्य करते रहें।